गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लास में हमने सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ा था। उसमें फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया था जब हमें ये वाले चिन्ह दे रखे हो, है ना, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, प्रतिबंध थे वहाँ पे। अब सेकंड वाला जो हम पढ़ेंगे, सेकंड टाइप में कोई भी LPP है उसमें जो प्रतिबंध दे रखे हैं उनमें सभी में ये वाले निशान हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल, इसको देखते हैं। तो मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है इसको, जेड बराबर x1 + x2 सच दैट 2x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 + 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो LPP के तीन पार्ट होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि सिंप्लेक्स मेथड से अगर यूज़ करना है, सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो चार कंडीशन है स्टैंडर्ड, उसको फॉर्म में लिखने के लिए LPP को, ताकि हम उसमें सिंप्लेक्स मेथड लगा सकें। तो सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहला है कि यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज टाइप का होना चाहिए। तो ये तो मिनिमम है, अब मिनिमम को मैक्सिमम में कैसे चेंज करना है, तो इसका क्या मेथड है, आपको क्या बताया था, माइनस से गुणा कर दो, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम, इसको जेड की जगह माइनस जेड बराबर माइनस x1 - x2, माइनस से कर दिया। तो अब इसका मैक्सिमम फाइंड करना है और इस जेड को हम जेड डैश लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्सिमम जेड डैश बराबर माइनस x1 - x2। सबसे पहला काम है, सिंप्लेक्स विधि लगा रहे हो तो यहाँ मिनिमम को मैक्सिमम में बदलना है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड था, जो हमें रेस्ट्रिक्शंस दे रखी है वो समीकरणों के रूप में होनी चाहिए, जो अस्मिकाएँ दे रखी है वो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कल हमने सीखा था कि या तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे इस तरफ या फिर सरप्लस वेरिएबल। तो अब इस अस्मिका को समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, इधर वाला हिस्सा बड़ा है, 4 से बड़ा है ये, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस हिस्से में से जो बड़ा है उसमें से कुछ ना कुछ घटाएंगे, और इसमें भी वही करना है, इसमें से भी कुछ घटाएंगे। तो इसमें से x3 और इसमें से x4 घटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सच दैट 2x1 + x2 - x3, x4 भी आएगा तो मैं उसको साथ में लिख देता हूँ, +0 x4 बराबर 4, और यहाँ पे इसको x1 + 7x2 + 0x3, x3 तो ऊपर यूज हो गया, यहाँ नहीं आएगा तो 0 × x3 लिख दिया, और यहाँ पे इसमें से x4 घटा देते हैं, -x4 = 7, है ना। तो इसमें से हमने x3 घटा दिया और इसमें से x4, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, और वहाँ बराबर का निशान लगा दिया। और एंड जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, x1 x2 x3 और x4, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी ये आप सिंप्लेक्स मेथड अब इसमें यूज़ कर सकते हो, कंडीशन कंप्लीट होगी कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस के अलावा जो भी दे रखा है आपको वो समीकरणों में होना चाहिए। तो हमने इसको बराबर का निशान लगा के इनको समीकरणों में बदल दिया। ये जो x3 और x4 है, इसका बताया था मैंने कल, इनको क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल या आधिक्य पूरक चर, है ना। तो अब हमें इसमें सिंप्लेक्स मेथड यूज कर सकते हैं इसको, और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स हमारी बनती है वो क्या बनेगी, 2 1, ये जो दोनों समीकरण हैं इनसे बनेगी, इनके गुणांकों से, तो 2 1 - 1 और 0, और 1 7 1 7 0 - 1, ये बन गई। परंतु अब आपको बताया, जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो उसमें हमें सबसे पहले इसका बेसिक सॉल्यूशन मान के चलेंगे हम, इसका आधारी जो हल है, आधारी सुसंगत हल या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन,
जिसको बोलते हैं आधारी सुसंगत हल। सबसे पहले हम किसे आधारी सुसंगत हल मानते हैं? जो इकाई मैट्रिक्स यहाँ पे बनाता है। अभी आप देखोगे इकाई मैट्रिक्स तो हमारी बनी नहीं रही, तो किसे हम बी एफ एस यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसे माने? आधारी सुसंगत हल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई मैट्रिक्स बनने के लिए हमें वापस से कुछ चर जोड़ने पड़ेंगे। तो इसी समीकरण को फिर मैं आगे यहाँ पे तो ऊपर जो ये समीकरण दे रखी है इनसे हमें इकाई मैट्रिक्स नहीं मिल रही, तो इकाई मैट्रिक्स के लिए हम x3 प्लस 0x4 यहाँ तक तो ये है। अब इसमें एक चर और जोड़ना पड़ेगा x5 प्लस का x5 इसमें जोड़ देता हूँ यहाँ पे, और इसमें प्लस का x6 क्यों जोड़ा वो बात करते हैं। तो इसमें x5 जोड़ दिया, x6 का गुणांक 0 लिख देता हूँ बराबर 4, और x1 प्लस 7 x2 प्लस 0 x3 माइनस x4 प्लस 0 x5 प्लस x6 बराबर 7। अब आप कहोगे सर x1 x2 दिए थे सवाल में, आपने पहले x3 x4 लिखा, अब x5 x6 x7 ये क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स नहीं मिल रही थी। अगर इकाई मैट्रिक्स हमें मिल जाती तो हम इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उसको मान लेते सीधा सा, परंतु अब हमें इकाई मैट्रिक्स नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें कुछ चर और जोड़ने पड़ रहे हैं। अब ये जो मैट्रिक्स ए है हमारी ये क्या बन जाएगी वो देख लेते हैं। अब हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो क्या बनेगी इसके गुणांकों से 2 1 -1 0 1 0 और 1 7 0 -1 0 1। अब इसमें हमें एक इकाई मैट्रिक्स मिल गई, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इकाई मैट्रिक्स बन रही है। तो सबसे पहले जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमें इसमें से इकाई मैट्रिक्स जो बनाते हैं उसको इकाई मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये जो पहली पंक्ति पहला जो स्तंभ है कॉलम उसको हम लिखते हैं α1, दूसरे कॉलम को α2, तीसरे को α3, α4, α5 और α6। अब यहाँ पे α5 और 6 जो है वो मिलके इकाई मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो हमारा यानी i बराबर क्या हो रहा है 1 0 0 1, जो कौन कौन बना रहा है α5 और α6, ये दोनों कॉलम इकाई मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो हमारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इनिशियल जिसको हम प्रारंभिक बोलते हैं, तो प्रारंभिक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे x5 और x6। α5 और α6 के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास वेरिएबल है x5 और x6 ये हमारे प्रारंभिक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएंगे। अब इस तरफ देखते हैं, यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो उद्देश्य फलन है उसको लिखते हैं। तो उद्देश्य फलन क्या है, मैक्सिमम जेड डैश बराबर है -x1 -x2, यही था। फिर हमने x3 और x4 ये हमने सरप्लस वेरिएबल यानी अधिक के पूरक चर जोड़े, तो इनके गुणांक तो आपको पता है उद्देश्य फलन में इनके कॉस्ट मैट्रिक्स में इनकी वैल्यू लिखते हैं 0, तो 0x3 प्लस 0x4 यानी स्लैक वेरिएबल यानी न्यूनतम पूरक चर और सरप्लस वेरिएबल यानी अधिक के पूरक चर, इन दोनों की यहाँ पे समीकरणों में जब बदलते हैं तो न्यूनतम पूरक चर और अधिक के पूरक चर जो हमारे हैं उनका जो गुणांक है इसमें कॉस्ट मैट्रिक्स जो हमारा उद्देश्य फलन है उसमें उनके गुणांक हम लिखते हैं हमेशा 0 0 दोनों के। तो इनके गुणांक हमने ये अधिक पूरक था तो इनके गुणांक यहाँ लिख दिए 0 0। अब x5 और x6 और है, x5 x6 है, इन चरों को क्या बोलते हैं पहले तो इनका नाम, तो इन चरों का नाम है x5 का और x6 का, इनको बोलते हैं कृत्रिम चर आर्टिफिशियल वेरिएबल।
X5 और X6 दोनों ही आर्टिफिशियल वेरिएबल या कृत्रिम चर। तो जो कृत्रिम चर होते हैं उनके गुणांक उद्देश्य फलन में हम लिखेंगे -MX5 -MX6। अब आप कहोगे सर M क्या है यहाँ पे, तो M जो है वो M यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या M यहाँ पे होती है बहुत बड़ी संख्या। तो कृत्रिम चर जो है उनको बहुत बड़ा मान दे दिया जाता है, बहुत बड़ा जो संख्या है वो उसको उसका गुणांक बनाया जाएगा उद्देश्य फलन में। तो एक चीज ये समझ में क्लियर रखना है आपको, अलग अलग न्यूनतम पूरक चर क्या होता है, अधिकतम पूरक चर क्या होता है और कृत्रिम चर क्या होता है। तीन अलग अलग वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल जो है उन दोनों के गुणांक जो है यहाँ उद्देश्य फलन में हम 0-0 लिखते हैं, जबकि आर्टिफिशियल वेरिएबल के गुणांक यहाँ पे -M और -M और -M का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या से है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब हमारा उद्देश्य फलन ये हो गया, समीकरणें ये बन गई, हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन स्टार्टिंग मिल गया, पहले नहीं मिल रहा था यहाँ, उस वजह से हमें कृत्रिम चर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, इसमें यूज़ करना पड़ा। कृत्रिम चर लिखने के बाद में अब हमें आधारी सुसंगत हल, प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल मिल गया α5 और α6, क्योंकि ये इकाई मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में तो ये उद्देश्य फलन ये प्रतिबंध हो गए हमारे, और यहाँ पे जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे α1 x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये सभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब हमारे x1 से लेके x6 तक चर है हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल काम हुआ है, अब हम इससे बनाते हैं टेबल। ये यहाँ तक पहुँचने का उद्देश्य था हमारा, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये अब इसकी हेल्प से हम इसकी एंट्री करते हैं हमारी टेबल में। तो टेबल मैंने अगले पेज पे बना रखी है, वहाँ पे इसकी एंट्री, सबसे पहले उद्देश्य फलन जो है उसकी जो गुणांक होते हैं वो होते हैं हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स CJ। तो CJ में क्या आएगा, -1 -1 0 0 -M -M, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ पहले, यहाँ आएगा CJ जिसमें आएगा क्या था, -1 -1 0 0 -M -M, यहाँ पे B यहाँ आ जाएगा X1, X2, X3, X4, X5, X6 के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं उनके सापेक्ष Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 और Y6। यहाँ पे तीन कॉलम और बनेंगे, इस वाले में यहाँ पे होता है CB, यहाँ पे होगा B और यहाँ पे होता है XB। B का मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, हमारा जो प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल है। तो कौन कौन से हल थे हमारे प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल BFS, वो था एक तो X5 और α5 और α6 जो मिलके इकाई मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इनके संगत यहाँ X5 और X6 और यहाँ पे इनकी कॉस्ट CB, बेसिक जो है हमारा वेरिएबल उनकी कॉस्ट यहाँ पे, तो उनकी कॉस्ट α1 α2, ये है α5 और α6 या X5 और X6 की होती है। यहाँ पे क्या है, -M और -M, ये इनकी कॉस्ट लिख दी। B का मान, तो B का मान यहाँ पे जो बराबर में है 4 और 7, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 7। इसके बाद में
और अब इसमें आप देखोगे मैट्रिक्स जो ए है हमारी, उसमें क्या आएगा, मैट्रिक्स ए ये जो इनसे मिल रही है, दोनों समीकरणों से बन रही है ये वाली, तो मैट्रिक्स में क्या है 2, 1, -1, 0, 1, 0। सेम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे 2, 1, -1, 0, 1, 0 और यहाँ पे होगा 0, 1, यहाँ पे आएगा -1, 0 और यहाँ पे देख लेते हैं 1, 7, 1, 7। ये इस टेबल में हमने सारी एंट्री कर दी है। पिछले जो क्वेश्चन में हमने यहाँ तक पढ़ा था, हमने तीन अलग अलग टेबल बनाई थी। अभी आपको ये बता रहे हैं कि अगर एक ही टेबल में सारा कुछ करना हो तो आप उसी टेबल को कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर टेबल नंबर, जैसे ये फर्स्ट टेबल यूज़ हो रही है तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट, ठीक है। हमने सारी एंट्री वहाँ से, जो इक्वेशन दे रखी है वहाँ से हमने सारी एंट्री इसमें लिख दी है। अब करते हैं सवाल, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, क्या लिखा आपने, जेड जे माइनस सी जे, और जेड जे का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए अगर यहाँ लिखना हो तो 2 का गुणा -m से, 1 का गुणा -m से, और फिर हम दोनों का योग करेंगे वो जेड जे आएगा, और उसमें से ये सी जे घटाएंगे। तो करते हैं 2 का गुणा -m से -2m, 1 का गुणा -m से -m, तो -2m और -m हो गए -3m, और उसमें से फिर घटाएंगे हम -1, तो +1 हो जाएगा, तो -2m+1। ऐसे ही थोड़ा इसको मैं -2m+1 है, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं ताकि स्पेस मिले हमें लिखने के लिए। तो यहाँ आएगा -2m+1। सेकंड वाला जो है इसका भी 1 का गुणा -m से करोगे तो -m, 7 का -m से करोगे तो -7m, मिलके हो जाएगा -8m, और इसमें से फिर सी जे ये और कटाएंगे -1, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो -1 × -m + m हो गया, 0 का -m से करोगे तो 0, तो यहाँ -1 और m ये तो हो गया m, और इसमें से घटाओगे सी जे ये 0, तो 0 m ही बचेगा। इसी प्रकार इसमें से 0 का गुणा -m से करोगे 0, -1 का गुणा -m से करोगे तो +m, और इसमें से ये सी जे ये 0 घटाओगे तो m बचेगा। अब 1 का गुणा -m से करोगे -m, 0 का गुणा -m से करोगे तो 0, तो -m, और इसमें से ये घटाओगे सी जे, -m में से -m घटाओगे तो 0, सेम यही 0 का -m से गुणा हुआ तो 0, और 1 का -m से हुआ तो -m, और इसमें से -m घटाओगे तो 0। ये हमारी टेबल तैयार है। फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो इष्टतम हल है वो कैसे मिलता है हमें, इष्टतम हल मिलेगा यदि जेड जे माइनस सी जे क्या हो, जेड जे माइनस सी जे अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, तो हम कहेंगे कि ये इसका इष्टतम हल है। बट क्योंकि इसका मतलब है इसका मान धनात्मक या 0 आ जाए, पर हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसका मतलब ये 0 से बड़ा या बराबर नहीं है, और अगर 0 से बड़ा या बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि हम अब इसमें एक इंटरिंग वेक्टर होगा प्रवेशी सदिश, और एक बाहर जो जा रहा है ना वो सदिश हो जाएगा। तो इंटरिंग वेक्टर कौन सा है, पहले तो प्रवेशी सदिश, तो प्रवेशी सदिश हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा होगा इनमें, -2m+1 या -8m+1। तो -8m+1 होगा, क्योंकि m तो बहुत बड़ी संख्या है, अगर 100 भी लेते हैं तो ये कितना होता है -800+1, -799, जबकि ये होगा अगर 100 रखो तो -200+1, -199, तो ये संख्या ज़्यादा नेगेटिव है, इसीलिए इंटरिंग वेक्टर का निशान तो लगेगा यहाँ पे और यहाँ लगेगा। तो अब इन दोनों में से कोई की एलिमेंट होगा हमारा, कौन सा होगा ये कैसे देखते हैं, इस बी वाला जो है इसमें भाग देंगे हम, तो 4 में भाग दोगे 1 का, यहाँ पे हम लेते हैं, लिख देते हैं मिनिमम रेशो। तो यहाँ मिनिमम रेशो लिखेंगे, किसका रेशो,
सबसे कम है। तो चार में जब हम एक का भाग देंगे तो ये आएगा, इस चार में एक का भाग दिया तो ये तो आ गया चार बटे एक बराबर चार। और यहाँ पे सात में किसका भाग दोगे, सात का, सात में सात का भाग दोगे तो ये आएगा एक। तो मिनिमम सबसे कम रेशो कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा की एलिमेंट है वो हो जाएगा ये सात। लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया की एलिमेंट। अब की एलिमेंट ये हो गया, इसका मतलब एग्जिट कौन कर रहा है, इंटर कौन कर रहा है, एक्स टू वाई टू के रिस्पेक्ट में जो हमारा वेरिएबल है। एक्स टू तो हो गया इंटरिंग वेक्टर, और जो बाहर जा रहा है वो कौन सा वेक्टर होगा, तो सात के सामने कौन सा है, अल्फा सिक्स, यानी कि एक्स सिक्स जो है वो बाहर, यानी ये तो इंटर हो रहा है की एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, ये तो इंटर होता है और ये एग्जिट होता है। तो अल्फा सिक्स जो है या एक्स सिक्स ये एग्जिट हो रहा है, एक्स सिक्स इसके रिस्पेक्ट में। तो इसमें यहाँ पे ये निशान लगा देंगे और फिर आप नीचे लिखोगे, यहाँ पे लिख देंगे हम इंटरिंग वेक्टर तो है कौन सा, ये एक्स टू, और डिपार्चिंग वेक्टर, डिपार्चिंग वेक्टर कौन सा है, जो बाहर जा रहा है वो है एक्स सिक्स, ठीक है। तो इंटर कौन सा वेक्टर कर रहा है वो, और डिपार्चर कौन सा हो रहा है, बाहर कौन सा जा रहा है वो लिख दिया हमने। और अब यहाँ लिखेंगे हम न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हमारा जो न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा, एक तो अल्फा फाइव एक्स फाइव तो है ही है, और अब एक्स सिक्स जो था उसको हटा दिया है एक्स टू ने, तो अब हो गया एक्स फाइव और एक्स टू, ये हमारा न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो अब इस हमें अगली टेबल बनानी पड़ेगी, तो इसी के आगे हम अगली टेबल बना लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दिया है मैंने, इसको इधर रखो, देखने में हमारे आसानी रहेगी। तो ये टेबल कहाँ बनाई जाए, चलो यहीं बना देता हूँ मैं। वैसे तो क्या होता है, एक्चुअल में तो ये होता है कि इसके नीचे ही हम वो टेबल बनाएं। चलो इसके नीचे बनाता हूँ मैं, इसके नीचे बना लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर रहेगा पेपर में कैसे करना है। तो ये जो टेबल है इसी को हम आगे एक्सपेंड कर देंगे आगे तक, जितना नीचे तक जा सकता है ये। फिर यहाँ पे क्या था, ऊपर सी जे है ना, तो सी जे तो वही रहेगा सेम, या आप नया लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें ये टेबल चाहिएगी, तो इसके लिए ये होगी एंट्री। उसके बाद में यहाँ पे तो सीधा डायरेक्ट इस वाली लाइन को आगे तक मिला देते हैं, और यहाँ पे अपने को तीन कॉलम चाहिएंगे, तो एक दो और थोड़ा इनको नज़दीक नज़दीक लिख देता हूँ मैं, दो तीन, फिर ये वाला, फिर इनको हम यहाँ पे मिला देते हैं। और इसके बाद में इसको आगे तक बढ़ाया, और यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा नई मैट्रिक्स बनके
नहीं जो इसकी टेबल बन के तैयार है, हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे वही है, टेबल नंबर आएगा यहाँ, तो टेबल नंबर इसके लिए कौन सा है, ये सेकंड टेबल है, और यहाँ पे आ जाता है सी बी, फिर यहाँ बी, यहाँ एक्स बी, और यहाँ पे ये बी। अब यहाँ सी बी, अब की बार जो न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो लिखा जाएगा, तो अल्फ़ा फाइव और अल्फ़ा टू, यहाँ हो जाएगा एक्स फाइव और एक्स टू, यहाँ पे हो जाएगा इनकी जो कॉस्ट वैल्यू है। अब अल्फ़ा फाइव की तो माइनस एम ही है, एक्स फाइव की, एक्स टू की कितनी है, माइनस वन, एक्स टू की ये वाली माइनस वन है, तो हमने यहाँ पे लिख दी है माइनस वन। अब बी, अब ये समझना है, जो पिछली टेबल में पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपको बताया था हमें क्या करना होता है, जब इस टेबल से ये टेबल बना रहे हैं तो हमें जो की एलिमेंट है सात, उसकी जगह हमें एक लिखना है ना, तो इस सात की जगह एक लिखना है, तो हम क्या करें, क्या तरीका है सात की जगह एक लिखने का, तो हम इस पूरे में सात का भाग दे देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सात का भाग दोगे तो आएगा एक, इसमें सात का भाग दोगे तो आएगा एक बटे सात, इसमें सात का भाग दोगे तो एक, यहाँ पे जीरो, इसमें दोगे तो माइनस वन अपॉन सेवन, इसमें भाग दिया तो जीरो, और इसमें भाग दिया तो एक बटे सात, यानी हमें की एलिमेंट की जगह वन लिखना है। इसमें हमें ये जो की एलिमेंट था इसकी जगह हमें वन लिखना है, तो वन कैसे लिखेंगे जब हम इस पूरे में सात का भाग, क्योंकि यहाँ सात है, इसको वन लिखने के लिए हमने पूरे में सात का भाग दे दिया, यहाँ पे वन आ गया इसकी जगह, ठीक है। और अब हमारा क्योंकि डिपार्चर कौन सा हुआ था बाहर, एक्स सिक्स, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जब भी बाहर जाएगा तो हमें उसकी जगह यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, क्रॉस कर देंगे, है ना, आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी एक्स फाइव और एक्स सिक्स अगर ये बाहर जाएंगे तो इनका हमें कोई यूज़ नहीं करना, तो इसकी जगह हम क्रॉस कर देंगे कि अब इनका कोई काम यहाँ पे इस टेबल में नहीं रहा, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव और वाई सिक्स, तो ये तो हो गया वाई सिक्स वाला, क्रॉस कर दिया दोनों जगह। अब आपको ये बताया था कि जो की एलिमेंट है वहाँ तो वन लिखेंगे, और उसके ऊपर वाला है वहाँ हम लिखेंगे जीरो। अब इसको जीरो कैसे बनाना है, इसका तरीका बताया था, वापस बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही है। तो पहला काम, यहाँ वन बनाने के लिए हमने सात का भाग दे दिया, सबसे सिंपल है, जो भी यहाँ संख्या हो वन है तो ठीक है, नहीं है दो दे रखा हो तो हम दो का भाग देते, पाँच होता यहाँ तो हम पाँच का भाग देते ताकि ये वन हो जाए, और इसके ऊपर जो है यहाँ जीरो लाना है। जीरो लाने का तरीका क्या है, चार इस पूरे को यहाँ लिख देते हैं, चार दो एक माइनस एक जीरो एक जीरो, यहाँ तक है ना, और इस वाले को एक्स सिक्स को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंट्री अब हमें करनी नहीं है, तो उसको मैंने हटा दिया, चार दो एक माइनस एक जीरो एक, ये लिख दिया मैंने। अब हमने जो नई बनाई है ना, ये लिख देता हूँ इसके नीचे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ वन की जगह जीरो, यहाँ पे जीरो कब आएगा, जब इसके नीचे भी मैं यहाँ कहीं वन लिखूँ और फिर इनको आपस में घटा दूँ, तो एक में से एक घटा के जीरो, मैं जीरो यहाँ लिख दूँगा, है ना। तो ये अब एक हमें यहाँ दिया हुआ होता ही है, यहाँ पे दे रखा है वन वन बाई सेवन, वन जीरो माइनस वन बाई सेवन और जीरो, ये उतार देता हूँ यहाँ पे, तो वन वन बाई सेवन, वन जीरो और माइनस वन बाई सेवन और जीरो, ये पूरी की पूरी टेबल ऐसे वैसे उतार दी। और अब इनको घटा देते हैं, चार में से एक घटाया हमने, तीन आ गया, यहीं लिख देता हूँ पहले, तीन दो में से एक बटे सात घटाओगे तो तेरह बटे सात, एक में से एक घटाया जीरो, माइनस वन में से जीरो घटाओगे माइनस वन, एक में से ये घटाओगे तो एक बटे सात, एक में से जीरो घटाया एक, ये सारा ऐसे कैसे तीन, फिर यहाँ आएगा तेरह बटे सात, यहाँ पे आ गया जीरो, हमें इसको जीरो ही बनाना था, फिर आ गया माइनस वन और वन बाय सेवन वन, ये हमारी नई टेबल बन के तैयार है। अब इसमें भी वही प्रोसेस करनी है जो हमने पहले की थी, क्या करना है, यहाँ पे हमें
जेड जे लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ पे हम जेड जे माइनस सी जे उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो जेड जे माइनस सी जे, जेड जे कैसे आएगा, जब इसका गुणा इससे करोगे तो 13/7 का माइनस एम से गुणा करोगे और तो ये तो हो जाएगा, एम वाला एक ही आएगा तो मैं इसको लिख ही देता हूँ, -13/7 इंटू एम, तो ये हो जाएगा माइनस का 13m/7 और यहाँ पे हो जाएगा 1/7 का, जब माइनस एक से गुणा करोगे तो प्लस का 1/7, सॉरी प्लस का क्या माइनस का ही रहेगा, माइनस का 1/7। और ये तो हो गया जेड जे माइनस सी जे, सी जे की वैल्यू हमने देखी थी ऊपर वाली टेबल में, एक बार और दिखा देता हूँ। तो इसकी सी जे वैल्यू जो है वो क्या है, -1 है, उसी को यूज़ कर रहे हैं हम इसी टेबल में, पूरी में पूरी टेबल आप देख सकते हैं, एक साथ बनाई है हमने ताकि आपको पता रहे। तो इस टेबल में ये जेड जे हो गया, इसमें से सी जे जब घटाओगे -1 तो यहाँ आएगा, -1 घटाओगे तो वो +1 हो जाएगा, और इनको जब जोड़ के लिखोगे आप, है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि एक साथ लिखें, ये -1/7 और +1 ये हो जाएगा +6/7, तो इस पूरे की जगह मैं +6/7 लिखूँ। चलो तो प्लस का 6/7। अगला जो है इसमें आप देखोगे जेड जे माइनस सी जे लिखोगे तो 0 का माइनस एम से गुणा होगा 0, 1 का गुणा माइनस एक से होगा तो -1, और उसमें से -1 घटाओगे तो आ जाएगा 0। तो ये सेकंड वाले के लिए है, यहाँ पे 0, ये पूरा एक साथ है सेकंड वाले के लिए, यहाँ 0। थर्ड जो है -1 का -m से गुणा हुआ तो +m, और इसका गुणा 0 से करोगे तो 0, तो +m और इसमें से घटाओगे 0 तो m। सी जे की वैल्यू इसके लिए क्या है, ऊपर 0 है। ऐसे ही इसके लिए 1/7 को -m से गुणा करोगे तो -m/7, -1/7 का 1 से गुणा करोगे तो +1/7 आएगा, प्लस का 1/7, और उसमें से 0 घटाओगे तो ये +1/7, और इस वाले में से 1 में से -m से गुणा करोगे तो -m, 0 से गुणा करोगे 0, तो यहाँ बच गया -m, और ऊपर उसमें से -m घटाएंगे, सी जे की वैल्यू भी -m है इसके लिए, तो ये आ जाएगा 0, और आगे वाला हमें लिखना ही नहीं है। तो आप इसमें देखोगे, अब नीचे टेबल में लिखेंगे हम जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है क्या, अगर है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही हो जाएगा, परंतु ये जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, ये वाला और ये वाला नेगेटिव है दोनों, तो नेगेटिव अगर आ गया इसमें ऋणात्मक तो फिर ये हमें आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। अब ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है, तो ये -m/7 है जबकि ये -13/7m है, तो ये वाला ज़्यादा नेगेटिव है। तो एंट्रिंग वेक्टर अब की बार हमारा हो जाएगा x1, और एग्जिट कौन सा करेगा, बाहर कौन सा जाएगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, की एलिमेंट पे, की एलिमेंट कैसे बनेगा, इनका मिनिमम रेशियो, है ना, मिनिमम रेशियो वाला हमने बनाया नहीं था, चलो यहीं साइड में बना देता हूँ एक टेबल। तो मैं यहां लिख देता हूं मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो चेक करेंगे अब इसके लिए, तो 13/7 का जब 3 में भाग दोगे तो ये आएगा 3/13/7 है वो ऊपर चला जाएगा तो 21/13, और यहाँ पे 1 में जब 1/7 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 7। तो दोनों में से कम कौन सा है, 21/13, ये वाला मिनिमम है, इसका मतलब एग्जिट कौन सा हो जाएगा, की एलिमेंट हमारा बनेगा यहाँ पे, यहाँ से एंट्रिंग ये था तो ये हमारा की एलिमेंट बन गया। तो अब इंटर तो ये कर गया x1, और एग्जिट कौन होगा, x5, तो x5 वाला है ये हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल था वो एग्जिट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अब आप यहाँ नीचे लिखोगे टेबल में, इंटर
एंटरिंग वेक्टर बराबर x1 और डिपार्चिंग वेक्टर बराबर है x5। x5 डिपार्चर कर रहा है, बाहर जा रहा है, और एंटर कर रहा है x1। तो अब हमारा न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो x2 तो है ही, x5 तो बाहर चला गया और उसकी जगह x1 आ गया। तो अब हमारा हो जाएगा x1 और x2, ये हमारे नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब फिर से एक टेबल बनेगी थर्ड, उस टेबल के लिए फिर देखेंगे हम कि जेड जे माइनस सी जे का मान पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए वापस से एक टेबल बनाते हैं। चलो इसको यहाँ तक बंद करके, ये वाली वैसे यहाँ बंद हो जाएगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी नीचे। अब ऊपर एक तो यहाँ कॉलम अपने को रखना है, और उसके बाद में यहाँ तक सारी एंट्रीज आ जाएगी, यहाँ पे टेबल नंबर, फिर यहाँ पे अपने को तीन लिखने हैं, वो एक तो सी बी, फिर बी और एक्स बी, उनकी वैल्यूज यहाँ पे होगा हमारा बी, फिर यहाँ वाई वन वाई टू वो लिख देंगे, और मिनिमम रेशियो के लिए इधर साइड में एक बना देते हैं, है ना। इसके बाद में यहाँ पे हमारा जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू के लिए यहाँ बना देते हैं, और फिर लास्ट जो भी हमारा आंसर होगा वो नीचे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे वही टेबल नंबर, तो ये हमारी टेबल है थर्ड, यहाँ पे सी बी, बी एक्स बी और ये बी। तो एक्स पहले, बी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, यहाँ एक्स में हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, और यहाँ पे इनकी कॉस्ट, x1 की कॉस्ट माइनस वन, x2 की माइनस वन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में b, और यहाँ पे है हमारा y1 y2 y3 y4 y5 और y6, और यहाँ पे आएगा मिनिमम रेशियो। ठीक, अब y5 भी बाहर चला गया और y6, तो यहाँ तो कुछ एंट्री आएगी नहीं, है ना, यहाँ पे भी इनको तो हमने हटाई दिया। अब हम देखते हैं ऊपर वाली टेबल से, इस टेबल में यहाँ पे की एलिमेंट जो है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, की एलिमेंट की जगह तो हमें लिखना है वन, तो यहाँ तो हम लिखेंगे वन। अब वन कैसे बनेगा, तो पूरी में अब सात बटे तेरह, या तो तेरह बटे सात का भाग दे दो या सात बटे तेरह से गुणा कर दो। इसको जब सात बटे तेरह से गुणा करोगे तो ये एक बन जाएगा। तीन, अब पूरा जो हमारी टेबल थी, तीन को पहले सात बटे तेरह से गुणा करो, सात बटे तेरह इंटू तीन, तो कितना होगा इक्कीस बटे तेरह, वो यहाँ लिख दो इक्कीस बटे तेरह। फिर तेरह बटे सात को सात बटे तेरह से गुणा किया तो एक, जीरो को गुणा करोगे तो जीरो, माइनस एक को गुणा करोगे तो माइनस सात बटे तेरह, और एक बटे सात को गुणा जब हम करेंगे किससे गुणा करेंगे, सात बटे तेरह से, तो ये हो जाएगा एक बटे तेरह। ओके, दूसरा काम हमारा की एलिमेंट को वन बनाया, और उसके नीचे जो है वहाँ पे हमें लिखना होता है जीरो। अब जीरो कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो जिसको जीरो बनाना है ना, वो वाली पूरी लाइन यहाँ लिख लेते हैं। तो वन, यहाँ से वन लिख दिया, वन बाई सेवन, फिर वन जीरो माइनस वन बाई सेवन, यहाँ तक ही लिखा, आगे वाला x5 और x6 हम नहीं लिख रहे, हमें वन बाई सेवन की जगह जीरो बनाना है। तो इसके लिए हमें नीचे वन बाई सेवन लिखना पड़ेगा इसके, जबकि हमारे पास नीचे लिखने वाली जो टेबल है वो ये है। तो यहाँ पे वन की जगह वन बाई सेवन लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो इस पूरी को वन बाई सेवन से गुणा कर दो, इसको वन बाई सेवन से गुणा करोगे इक्कीस बटे तेरह, यहाँ लिख देता हूँ इक्कीस बटे तेरह इंटू वन बाई सेवन,
एक को 1/7 से करोगे तो ये 1/7 आएगा, 0 को करोगे तो 0, इसको 1/7 से करोगे तो -1/13, और इसको 1/7 से करोगे तो 1/13 × 7, इसको सरल किया तो ये हो गया 3/13। एक में से अब ये घटा दो, क्योंकि यहाँ 1/7 1/7 एक जैसा हो गया, घटाओगे तो 0, यहाँ तो 0 बनाना था हमें। एक में से 3/13 घटाओगे, 1 − 3/13, तो कितना आएगा ये 13 − 3, 10/13, तो यहाँ तो आ जाएगा 10/13, यहाँ 0 आ गया। इसके बाद एक में से 0 घटाओगे तो 1, 0 में से 1 −1/13 घटाओगे तो प्लस का 1/13, और माइनस का 1/7 है और प्लस का 1/91, तो ये हो जाएगा −13 + 1 −12/91, है ना। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ तो −12/91 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। −1/7 + 1/91 एलसीएम लोगे इनका तो 91, तो यहाँ हो जाएगा −13 + 1, तो −12/91। ठीक, अब आगे सारी एंट्री हमने कर ली, अब वापस हम देखते हैं जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जेड जे माइनस सी जे के लिए आप 1 का गुणा −1 से किया तो −1, 0 का गुणा इससे किया तो 0, तो −1 आ गया जेड जे, और सी जे भी कितना है इसकी वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू −1, तो −1 में से −1 घटाओगे तो 0, सेम यहाँ होगा, 0 का गुणा इससे किया 0, 1 का इससे किया −1, और फिर ऊपर −1 जो है सी जे वाली वैल्यू वो घटा देंगे तो 0। अब यहाँ इनका गुणा करोगे −1 से −7/13 का, तो ये हो जाएगा प्लस का 7/13, इधर साइड में लिख देता हूँ मैं, तो ये तो −7/13 और 1 का गुणा +7/13, 1/13 −1 से गुणा करोगे तो ये होगा −1/13, और ये तो जेड जे आएगा, और इसमें से सी जे, तो सी जे की वैल्यू तो इसके लिए क्या है 0 है, वो घटाएंगे तो यही रहेगा, 7/13 में से 1/13 घटाओगे तो ये आ जाएगा 6/13। ऐसे ही 1/13 का −1 से गुणा करोगे तो माइनस का 1/13, और −12/91 का माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 12/91, 91 एलसीएम लोगे इनका तो यहाँ तो आएगा −7 + 12, यानी 5/91। तो अब आप देखोगे, अब नीचे हमें लिखना है कि नाउ जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सारे जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो हमारा जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इसको बोलेंगे हम विशिष्ट हल, जो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए उसको बोलते हैं इष्टतम हल। तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इष्टतम हल क्या हो जाएगा, इष्टतम हल हो गया ये x1 का मान कितना आया 21/13, x2 = 10/13, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इष्टतम हल है। और यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, z बराबर क्या दे रखा है हमें, तो z बराबर आ जाएगा क्या है, z′ = −x1 − x2, यानी −21/13 −10/13, तो ये हो जाएगा −31/13। तो ये तो है z′, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो वो क्या होगी z′ या −z था इसके बराबर, तो इसको माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा करोगे तो ये आएगा प्लस का 31/13। तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू है
वो आएगी 31/13। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका मिनिमम जो वैल्यू आपसे पूछ रखी थी वो है 31/13, और किन बिंदुओं पे मिलेगी, तो x1 21/13 और x2 10/13, यानी इन दोनों बिंदुओं पे हमें इसका उच्चतम मान मिलेगा जेड डैश का, जबकि हमसे जेड डैश का तो उच्चतम है, परंतु हमें सवाल में जेड का वैल्यू पूछ रखी थी मिनिमम, तो जेड की मिनिमम जो वैल्यू है इसकी वो है प्लस का 31/13। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, पर ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते। आपको एक बार ये समझ में आ गया स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल ये कैसे बनते हैं, फिर यहाँ पे पहली जो हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं उस टेबल के लिए हमें यहाँ इकाई मैट्रिक्स बनानी होती है, अगर नहीं है तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल काम में लेके फिर हम बनाएंगे इकाई मैट्रिक्स, और उसके बाद में जो प्रारंभिक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो हमारा इकाई मैट्रिक्स वाले होते हैं, और वो लेके हमने जब टेबल बनाई, एक टेबल में आप तीनों बनाओगे, ये हमने एक टेबल में बनाया है ना, तो वो टेबल अब पहली टेबल में सारी एंट्री करके आपको पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही है, बस अंतर इसमें यही था कि इसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनकी वैल्यू यहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स में हम -m लिखते हैं, जहाँ पे m बहुत बड़ी संख्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंप्लेक्स टेबल के जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आ रहे होंगे, एक या दो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, और समझ में अगर आ रही है या नहीं भी आ रही तो आपके अवेलेबल कमेंट्स करके हमें बताएं, ताकि हमें और एनर्जी मिले और आपके लिए और ज़्यादा क्वेश्चन या ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझना हो इसमें, इस बुक में से, या कोई ऐसा क्वेश्चन, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।